नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। तो 5 मार्च से बजट की शुरुआत की गई हरियाणा विधानसभा में। पूरे सत्र की अगर बात कर ली जाए, क्या कुछ हुआ? बजट पेश किए जाने का जो दौर था वो शायरी के साथ शुरू हुआ, बजट पास करवा लिया गया, पूरा सत्र आपको दिखाएंगे। उससे पहले ये सुनिए कि हरियाणा के वित्त मंत्री ने आज क्या कुछ कहा। यह बजट पूरे हरियाणा प्रदेश के हर विभाग के अधिकारी अपने अपने स्तर पर योजनाएं बना करके, जिला स्तर से प्रारंभ करके विभाग स्तर पर ये योजनाएं बना करके पूरे साल भर काम करके माननीय मंत्रीगण अपना समय लगा करके और फिर वित्त विभाग के साथ मिलजुल करके और सरकार में कैबिनेट के स्तर पर इसका एक विचार विमर्श को करके ये पूरी एक बजट के बनाने की प्रक्रिया है जिसको वित्त मंत्री केवल यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और उसका जो बैलेंसिंग करने का काम है, जो वित्त प्रबंधन करने का काम है, वह वित्त विभाग का है। तो अनेक अधिकारियों ने और जो माननीय मंत्रीगण ने, पूरी सरकार ने इसमें जो भूमिका निभाई है वो उनका भी आभार। मैं इतना, कुछ विपक्ष के साथियों ने बजट को ऊपर अपनी टिप्पणी की है, सुधी टिप्पणी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जितना बजट को गंभीरता से पूरा पढ़ना चाहिए था शायद उसको पढ़ने के बजाय अपने पहले से ही जो प्री फिक्स्ड माइंडसेट है उसके आधार पर अपनी टिप्पणी करने का जैसे तय कर लिया हो उस हिसाब से। और देन सम मेंबर्स गो ओवर द बजट सो केयरफुली दैट दे एक्चुअली जस्ट गो ओवर इट एट टाइम्स। उसमें मैं, अगर आप इजाज़त दें तो कहना चाहूँगा कि उनकी तारीफ क्या पूछते हो, उम्र सारी गुनाहों में गुजरी, अब बन रहे हैं वो ऐसे गंगा नहाए हुए हों जैसे। तो सुना आपने किस तरह से शेर व शायरी से भरा हुआ दिन रहा आज। शुरुआत भी कुछ ऐसी हुई और आज भी कुछ दिन ऐसा ही रहा। आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट में देखिए कि 5 मार्च से लेकर अब तक सदन में क्या कुछ हुआ। रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे कि क्या रहा पूरा, और इसी के साथ आपको बता दें कि अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया गया। सरकार के दावे हैं कि बेहद शानदार ये बजट है, ऐतिहासिक ये बजट है। अपने आप में हर एक तबके का ध्यान रखा गया है, हर एक वर्ग को खुश किए जाने की कोशिशें की गई है। हालांकि राहत ये रही कि किसी तरह का टैक्स बढ़ाया नहीं गया। अतिरिक्त टैक्स की हालांकि गुंजाइश भी अपने आप में कम थी जब GST लागू हो चुका है, लेकिन सरकार के दावे और विपक्ष के दावों के बीच में सच्चाई कहां है ये अपने आप में एक सवाल है। चुनावी बजट भी इसे कहा जा सकता है क्योंकि अंतिम पूर्ण बजट है हरियाणा सरकार का। इसमें राहत के रास्ते जरूर खोले गए हैं। क्या चुनावी लिहाज से इसको तैयार किया गया? सरकार जो कह रही है वो कितना सही है कि हर एक वर्ग के हितों को साधने की कोशिशें की गई है, और विपक्ष कहता है कि किसी तबके का ध्यान नहीं रखा गया इस बजट को लेकर। तो बजट पास करवा लिया गया और वित्त मंत्री की ओर से विपक्ष पर निशाना साधा गया कि विपक्ष को जितनी गंभीरता से इस बजट को लेना चाहिए था उतनी गंभीरता के साथ नहीं लिया गया, बजट को देखा और पढ़ा भी नहीं गया। हालांकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि किसानों की बात कर ली जाए, बाकी किसी भी वर्ग की बात कर ली जाए, कच्चे कर्मचारियों की बात कर ली जाए, युवाओं के रोजगार की बात कर ली जाए, महिलाओं की सुरक्षा या कानून व्यवस्था की बात कर ली जाए, बजट हर एक लिहाज से फेल है। और दोनों ओर से दावे किए जा रहे हैं। पूरे हंगामे के साथ ही सत्र गुजरा है, बजट पास करवा लिया गया, वित्त मंत्री के भाषण के साथ सवालों के जवाब वो देते नजर आए। विपक्ष को लेकर कहा गया कि गंभीर होना चाहिए था बजट को लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी ओर से की गई थी, शायराना अंदाज में एक बार फिर से वो नजर आए थे। शुरुआत भी इसी बात से की गई थी कि कुछ फूल खिलाए हैं हमने, और एक बार फिर से फूल खिलाने का जिक्र किया गया वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की ओर से। तो 5 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ था। पहले से आसार थे कि काफी ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है, बवाल कर सकता है। उसी तरह की चीजें पेश आई, उसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली, बहुत सारे मामलों को लेकर विपक्ष ने सवाल पूछे, बवाल हुआ। इसी बीच कल की अगर बात कर ली जाए तो 15 विधायक इनेलो के ऐसे रखे जिनको स्पीकर ने निलंबित किया, पूरा सत्र जितना रखेगा उसके लिए, यानी कि 15 मार्च तक के लिए निलंबित किया गया था। लेकिन बजट पर जो जवाब दिए जाने थे उसको लेकर राहत जरूर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से कहा गया कि इनेलो के विधायक अगर चाहें तो वापस आ सकते हैं, एक बार फिर से उनको वापस बुलाया गया। तो सत्र अभी तक दिखा रहे हैं, एक खास पैनल हमारे साथ है, बीजेपी
से हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान आए हैं, हरियाणा बीजेपी का पक्ष रखेंगे। साथ ही इनेलो विधायक रणवीर गंगवा हमारे साथ हैं, कांग्रेस के पूर्व विधायक नरेश कुमार हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे इस चर्चा में। और बजट एक्सपर्ट हमने बुलाया है जीएस सरीन को, बहुत स्वागत है सभी का इस चर्चा में। और शुरुआत बीजेपी से करेंगे, उससे पहले दर्शकों को बता दें कि आप फोन कर सकते हैं, आप राय दे सकते हैं, सरकार अपनी बात कहेगी और विपक्ष अपनी बात बोलेगा, लेकिन दर्शकों को क्या लगता है ये बजट कैसा है? पहला सवाल आपसे चौहान साहब, कैसा इस बजट को समझा जाए जब ये पास हो गया है? देखिए, ये ऐसा बजट है जिसमें समाज के, हरियाणवी समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। सभी विभागों के आवंटन को जो उसका बजट एस्टिमेट्स में दिए गए थे उसमें वृद्धि की गई है। खास तौर पर जो इसकी एक बात जिस पर हमको गर्व भी है, हमने प्रयासपूर्वक वो की है कि कृषि क्षेत्र का जो एलोकेशन है, ग्रामीण अंचल के विकास के लिए जो धन का आवंटन है, हमने उसको बीते वर्षों की तुलना में बढ़ाया है। जैसे केंद्र के बजट में भी इस बार उसको हमने ग्रामोन्मुख बनाने का प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वही बात हरियाणा के बजट में भी आप प्रतिलक्षित होते हुए देख सकते हैं कि हरियाणा के बजट में भी गांव की ओर रुख आप होते हुए देख सकते हैं। सिंचाई का बजट बढ़ा है और शिक्षा के बजट में भी वृद्धि हुई। माने ऐसा तो कहीं नहीं है कि किसी का बजट घटा हो, सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। और एक महत्वपूर्ण बात जिस पर फोकस रहा है वो ये कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वास्तव में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे, कहीं अस्पताल बने, स्कूल बने, पुल, सड़कें वो बनती हुई दिखाई दे, उस लिहाज से धन का आवंटन इस बजट में किया गया है। धन का आवंटन उस हिसाब से किया गया है, लेकिन जिस तरह से आपने कहा है कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, जी, आम जनता जो है सपनों की भाषा मेरे ख्याल से ज्यादा समझती है, तो हम एक सीधा सवाल सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या इस बजट को सपनों को पूरा करने वाला देखा जाए या सपनों को तोड़ने वाला या फिर सपने दिखाने वाला? सबका जवाब मैं चाहूंगा छोटे से नरेश जी, बोलिए कांग्रेस को कैसा लगा बजट? थैंक यू मैम। देखिए, मैंने पूरे बजट की समीक्षा की है, मैं कॉपी भी लेकर विधानसभा से, विधायक तो नहीं हूं। बजट के अंदर कोई विशेषता नहीं है, मात्र हर वर्ष की तरह रसम अदायगी बजट में की गई है। और माननीय साथी ने बहुत चतुराई के साथ सफाई देने की कोशिश की, बड़े आदरणीय साथी है वीरेंद्र जी, और राय का पाठ बनाना जानते हैं। आज ये कह रहे हर वर्ग का ध्यान रखा गया बजट के अंदर। मैं आदरणीय साथियों से ये पूछना चाहूंगा, फिर हर विभाग, किसान, मजदूर, प्रदेश का हर शख्स परेशान दिखाई क्यों देता है? आंदोलन की राहों पर क्यों है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी किसी भी वर्ग को संतुष्ट कर पाती? और ग्रामीण अंचल के लिए बजट रखा गया है तो कितना कोष रखा गया किसानों की सहायता के लिए, और सिंचाई के लिए रखा गया है तो हर वर्ष सरकार के मंत्री, सरकार के नेता, सरकार के प्रवक्ता कहते हम टेल तक पानी पहुंचाएंगे। आज भी कई माननीय साथियों ने गुहार लगाई कि स्पीकर महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं, सरकार के संज्ञान में लेना चाहते हैं, सरकार को जगाना चाहते हैं कि हमारे पिछली सरकारों के टाइम में कभी टेल तक पानी गया होगा, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है एक बूंद पानी मेवात के थे, रेवाड़ी साइड के थे, 39 सालों में सबसे ज्यादा पानी पहुंचाने का रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाया है। ये सरकार का दावा है कि अपने आप में कीर्तिमान स्थापित किया गया है पानी पहुंचाने को लेकर, ये सरकार का दावा है। मैं बताता हूं, देखिए ना, यही तो गजब हो रहा है। हरियाणा में ऐसी ऐसी दर्जनों टेल थी आदरणीय पंडित जी, जिन पर कभी 84 में 85 में 92 में उसके बाद पानी की एक बूंद नहीं गई थी। हरियाणा की 2-4 टेल को छोड़कर के हर टेल पर पानी हमने पहुंचाया है, ये बात रिकॉर्ड पर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री दक्षिणी हरियाणा की ऐसी अनेक टेलों पर स्वयं भी पहुंचे हैं जहां के लोगों ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में पानी देखा टेल पर। एक गाँव है नरवाणा में ढक्कल, वहां के किसान मुझसे संयोग से मिलने आए थे, तो मैंने उनसे पूछा भाई बढ़िया काम क्यों होया, तो उन्होंने कहा जी 92-95 मारे गांव ढक्कल की एक टेल पे पहली बार पानी आया है, और पंडित जी कह रहे हैं बूंद पानी नहीं पहुंचा। कौन सी दुनिया में रहते हो भारतीय पंडित जी? हरियाणा में रहोगे नहीं, बताओ आपने चांद, आप मैंने यूं बताओ हरियाणा में रहोगे नहीं, आपने चांद पर पहुंचा दिया होगा। मैं यही रहता हूं मंगल ग्रह से लिया है मैं, सुनिए आप ध्यान से, आज की विधानसभा के अंदर सच्चाई को आप कहां से रहे थे? आपकी तो सरकार को खिताब मिला हुआ है, खून गंड की नींद से होती रहती है, महाप्रभु हो जाते हैं, महाप्रभु जमीन पर उतरिए, जमीन पर चलता रहता है, आप उतर सको अगर देखते
जमीन से सर पर गया, जमीन पर उतरिए। अरे आज आज चलिए चौहान साहब एक 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 करके बोलेंगे, नहीं दर्शक सुन नहीं पा रहे थे। चौहान साहब, चौहान साहब, चौहान साहब आपकी बात एक बूंद पानी नहीं, रिकॉर्ड भी मैं नहीं करा, रिकॉर्ड बोल रहे हैं। चौहान जी देखिए बजट पर चर्चा करनी है सर, इस तरह से चर्चा कैसे हो पाएगी आप बताइए मुझे, चर्चा कैसे कर लेंगे? इनेलो का पक्ष जानेंगे, इनेलो ने बहुत हंगामा किया है, राय का पार्ट बनाना और असफलता पर भी अपनी पीठ। नरेश जी सुनिए सर, सुनिए देखिए सुनिए, चलिए इनेलो का पक्ष जानेंगे। इनेलो की ओर से काफी हंगामा किया गया है, इनेलो को बजट पसंद सदन में नहीं आया था, फिलहाल पैनल पर क्या राय है? नहीं नरेश जी, नरेश जी सुनेंगे सर, नहीं विषय पर रहेंगे, नरेश जी इनेलो का पक्ष जानेंगे और साथ ही 15 लाख खाते में एक करके बोलेंगे। गंगवा साहब कैसा है बजट, कैसा है बजट? अगर मेरे साथी तो मैं कुछ बताना चाहूंगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी ने कहा कि हर क्षेत्र का बजट बढ़ाया गया है। 2017-18 में ग्रामीण क्षेत्र का जो बजट था वो 4.85% था और अब जो प्रस्तावित है वो 3.76% है। शिक्षा क्षेत्र का पिछले साल जो है वो 14.24% था और आज जो प्रस्तावित है वो 12.96% है। इसी तरीके से बिजली का 6.31% था, इस बार 5.87% है। ये कह रहे हैं बढ़ाने का काम किया है, हर क्षेत्र का कहीं ना कहीं घटाने का काम किया है। और जिस बजट के अंदर 1,61,000 करोड़ का घाटे का जो बजट हो उसमें किस तरीके के विकास की आप परिकल्पना कर सकते हैं? और दूसरा, अभी पानी की बात कर रहे थे, मैं मेरे साथी से बताना कहना चाहूंगा, पिछले 2 महीने से हिसार के किसान पानी को लेकर के धरने पर बैठे हुए थे जी। वित्त मंत्री माननीय धनखड़ साहब गए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में, वित्त मंत्री की हिम्मत नहीं हुई वो किसानों से मिले, वो रात को 1 बजे, जिसको आज उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माना है कि हाँ मैं रात को गया, क्योंकि किसान वहां गेट पर बैठे हुए थे, किसानों से मिलने की बजाय वो रात को 1 बजे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं और उनको ये उन्होंने कहा कि हाँ हम अगले 6 महीने के अंदर आपका 2 सप्ताह पानी दे देंगे। आज मेरा 2492 नंबर मेरा क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2 सप्ताह पानी देने का कोई मतलब ही नहीं है, तो हर बात को केवल जुमला बनाने का काम इन्होंने किया है। और आज आप फूल खिलाने की बात कर रहे थे, फूल तो आज मुरझा गए यूपी के अंदर भी, बिहार के अंदर भी, क्योंकि इनके जुमले देख देख करके प्रदेश और देश की जनता इनसे जो है खफा हो चुकी है। आगे आगे बढ़ेंगे लेकिन हमारे साथ आगे बढ़ेंगे लेकिन हमारे साथ बजट प्रदेश के जीएस सरीन जी भी मौजूद हैं। होने की कोई गुंजाइश नहीं। चौहान साहब, देश में से सफाया हो गया हमारे विरोधियों का। चौहान साहब, 22 राज्यों में हमारी सरकार है। चौहान साहब, चौहान साहब, बजट पर रोजगार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज बजट पर चर्चा है, हमारे साथ बजट एक्सपर्ट जीएस सरीन जी आज मौजूद हैं। सरीन साहब आप कैसे देखते हैं? देखिए ये जो बजट हरियाणा सरकार ने आज पेश किया है जी, ये 4th बजट है इनका जी, और इलेक्शन सिर पे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ क्षेत्र जिनमें विकास की जरूरत थी वो की है, जैसे फार्मिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जी। इस तरफ इनकी कोशिश ये रही कि मिडिल क्लास से नीचे या गरीब तबके को लुभावने के लिए जी। जो मैं इनका बजट देखता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, तो इसमें एजुकेशन में इन्होंने 11% का इंक्रीज किया जी, एनर्जी में 9% कम किया है जी, और वाटर सप्लाई में 7% कम किया है जी, जिसके अभी पानी के लिए जो बात चल रही है। ट्रांसपोर्ट में 10% इंक्रीज किया है, हेल्थ में 25% किया है जी, और एग्रीकल्चर में 47% किया है, रूरल डेवलपमेंट में 22% किया है और इरीगेशन में 20% किया है। तो जो ये 6 क्षेत्र इन्होंने चुने हैं, इसमें इन्होंने कुछ स्कीम्स भी लागू की हैं, जिसमें एक मेडिकल, चलिए आप विस्तार से बताइएगा, लेकिन आपको कहा जाए कि इस बजट को नंबर दिए जाएं तो 10 में से कितने नंबर मिलेंगे हरियाणा के बजट को? तो मैं 7 नंबर दूंगा। 7 नंबर देंगे, यानी एवरेज से थोड़ा अच्छा है बजट। विपक्ष के मित्र हूं कह रहे हैं भाई बढ़िया बजट है तो 7 नंबर मिल रहे हैं। 7 नंबर शहर में हर शख्स परेशान क्यों है? देखिए आदरणीय पंडित,
परेशान वो है जिनकी राजनीतिक दुकानदारी बंद है। लोग राजी हैं, लोग प्रसन्न है, जवाब दीजिए। जब घोषणाएं की गई शानदार नजर आता है ये बजट, इसी घोषणाएं जो की गई है उनको आखिरी जो मंजिल है उस तक पहुंचाया जाएगा, उन घोषणाओं को जो बातें की गई है जिसमें विभाग में जो बजट लगना है वो लगाया जाएगा, क्या ये भी सुनिश्चित किया जाएगा पूरे तरीके से? इसी स्टूडियो में, इसी पैनल पर आपके साथ चर्चा में 5-7 दिन पहले इंडियन नेशनल लोकदल के एक हमारे मित्र ने और एक हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने यह कहकर के सनसनी पैदा करने की कोशिश की थी कि हरियाणा का तो आधा बजट इस्तेमाल हुआ है। आज सदन के भीतर एक आंकड़ा आया है, सुन लीजिए, सुन लीजिए ना, अब आप पूरी बात ज्योति जी सुनोगे नहीं तो गड़बड़ है, नहीं ये तो गलत बात है, मैं बात कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सुन लीजिए ना उसको, फिर मेरा भी अधिकार है बोलने का। मैं ये कह रहा हूं आपके स्टूडियो में, आपके पैनल पर, आपकी मौजूदगी में प्रतिपक्ष के लोगों ने यह झूठा आरोप लगाया था कि हरियाणा का बजट तो आधा भी इस्तेमाल नहीं हुआ। आज सदन के भीतर आधिकारिक आंकड़ा वित्त मंत्री ने दिया है, 94% बजट पिछले सत्र का हमने इस्तेमाल किया है, यह अपने आप में बेहतरीन आंकड़ा है। और हमारा संकल्प सुन लीजिए, मुझे मेरी बात कह लीजिए, आप सवाल पूछ लीजिएगा, आप सवाल पूछ लीजिएगा, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ एक बात, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाने की जरूरत है। दिसंबर में वित्त मंत्री ने कहा कि 52% खर्च हुआ है, थोड़ा जल्दी से खर्च की जाने की जरूरत है, उसके बाद वित्त मंत्री साफ कर चुके हैं कि अब 94% खर्च हो चुका है, तो दिसंबर से मार्च के बीच ये खर्च किया गया 40% के आसपास। मेरी बात सुनिए, आंकड़े बजट जो खर्च होता है वो नीचे धरातल पर खर्च होता है, उसके आंकड़े प्रोसेस होते होते हुए आते हैं, और बजट पूरे वर्ष के लिए होता है, मार्च 31 मार्च तक के लिए होता है, तो इस बात में मत उलझ जाइए, हमने 94% आज की तारीख तक खर्च कर दिया, शेष भी जो बचा है अधिकतम उसका व्यय करेंगे, और अगले वित्तीय वर्ष में भी, सुनिए, अगले वित्तीय वर्ष में भी इससे अधिक एफिशिएंसी के साथ हरियाणा के लोगों के लिए जो योजनाएं हमने घोषित की हैं उन सब पर अमल करेंगे, एक एक पाई का कायदे से इस्तेमाल करेंगे। पूर्व के हमारे मित्रों की समस्या ये थी कि वो घोषणा करते थे और घोषणा करने के बाद खोसना शुरू कर देते थे, अपनी जेबें भरते थे, लेकिन तो अपने से पहले की सरकारों को कोसने लगे, सच्चाई नहीं है क्या ये सच्चाई नहीं है, ये अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, और आपके पास कुछ बचा नहीं है, ये देश और प्रदेश की जनता आपका असली चरित्र और चेहरा पहचान चुकी है, जो भी चुनाव होगा आपको मुंह खानी पड़ेगी, और आज कम से कम भारत की जनता ने आपकी आपकी जो दुकान, ऊंची दुकान, फीका पकवान, उसके शटर डाउन करने का काम आज भारत की जनता ने किया, उत्तर प्रदेश में किया, बिहार में किया, और हरियाणा में जो भी चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी की जमानत कहना चाह रहा हूं, आज का जो प्रदेश के हालात है जी, उस हालात के अंदर आज सबसे ज्यादा अगर किसी बजट की किसी क्षेत्र में काम करने की जरूरत थी तो आज रोजगार के प्रति और बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये कहते हुए मुझे शर्म आती है कि हरियाणा प्रदेश, जहां हम एक बात किया करते थे कि बिहार के अंदर जो इस तरह के हो रहा है उससे भी अव्वल, एक नंबर पर, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं कि आज
आज हरियाणा एक नंबर पे क्राइम में आ गया है। आज उस हालात के अंदर मैंने अभी हाउस के अंदर भी कहा था कि हमें यह चाहिए था कि हम एनसीआर के पास हैं, हरियाणा प्रदेश जो है एनसीआर के अंदर गुड़गांव फरीदाबाद भादरगढ़ यहां जितनी भी फैक्ट्रियां लगी हुई है वहां हमारे बच्चों का रोजगार का जो है वो प्रतिशत बहुत कम है। मैं ये नहीं कहता क्योंकि पूरा देश हमारा है और वो बाहर के देश के बाहर के जो स्टेटों के जो बच्चे हैं वो भी हमारे यहाँ नौकरी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर है एनसीआर के अंदर है हमारे बच्चों की कम से कम परसेंटेज फिक्स होनी चाहिए 50% बच्चे हमारे लगे बाकी बाहर के भी लगे। लेकिन हालात ये हैं कि जिस तरीके से पीछे चाहे वो जाट आरक्षण का मामला था उस टाइम जो दंगे हुए और उसके बाद में जब सरकार का पूरा फेल्यूर हो गया तो सरकार को समझना चाहिए था कि आज का जो प्रशासन आज की जो सरकार है वो भीड़ को काबू नहीं कर सकती। लेकिन उसके बावजूद जो अगस्त के अंदर डेरा सच्चा सौदा का फैसला आना था उसके अंदर मैं हरियाणा प्रदेश की बात रखिए जिस तरीके से किसानों की बात ले लीजिए, चलो ये सुनना नहीं चाहते आप किसानों की बात तो सुनेंगे। किसानों की बात ये है कि आज ये कह रहे हैं कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। पहली बात तो 2022 तक का इनको समय किसने दिया, 2019 तक की बात थी। एक मिनट जनता देखी तो कर लेना, कौन रोकता है जनता का फैसला होगा। 2019 तक का है और उसके बाद एक मिनट प्रधान जी आपकी खबर सुनने का मादा रखें। आप मेरी बात का जवाब देना। आप किसानों की आय दुगनी करने की बात करें, अभी पीछे बाजरा की खरीद की हुई, पहली बात तो जो लागत मूल्य है उसके प्लस उसका मुनाफा जोड़ के एमएसपी तय करें और एमएसपी पे खरीद सुनिश्चित करें तब किसान को बचेगा। किसान ने बेचारे ने अपनी मेहनत से फसल पैदा की और सरकार ने यह कहा कि 10 मण से ऊपर हम जो बाजरा की फसल जो वो नहीं खरीदेंगे, जबकि एक एकड़ में 20 मण आज सरसों की कीमत जो है सरकार की 4,000 रुपए है, लेकिन किसान को मजबूरन आज 3,200-3,300-3,400 रुपए बेचनी पड़ रही है। क्यों नहीं ये खरीद करे? अगर किसान की फसल खरीद नहीं होगी तो फिर किस तरीके का ये मुनाफा देंगे? चौहान साहब आपके पास आएंगे, चौहान साहब आपके पास आएंगे उससे पहले कांग्रेस का पक्ष भी जान ले। नरेश जी आप कैसे देखते हैं किसानों के लिए क्या कुछ बजट में मिला है? देखिए जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी है कई बार तो बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि की जी मार किसान भाइयों के ऊपर पड़ी है जी, और ऊपर से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज कर प्रदान करने की बजाय राजनीतिक रोटियां सेक कर राजनीति करने की किसानों के छवि ने हमदर्दी नहीं दिखाई। और देखिए किसान भाइयों को इन्होंने फसल का इंश्योरेंस कराओ और कोई एग्री था या ना था, मैंने अपना जीवन बीमा कराना है तो मेरी मर्जी है, मैं कराना चाहता हूँ कितना अपने जीवन को कितनी अपनी फसल को सुरक्षित। सड़क पर गाड़ी निकलने से पहले अपनी जरूरी है, एक मिनट सड़क पर गाड़ी निकलने से पहले गाड़ी चोरी है आपके जीवन से संबंधित गाड़ी नहीं किसान को सुरक्षित करने के लिए किसान के विरोधी हो क्या? किसान के दुश्मन भी किसान का बेटा गाँव में रहता हूँ सुनने की आराम से बैठकर मुद्दे से भटका थोड़ा अलग ये है कि बजट को लेकर आप फोन कर सकते हैं, आप राय दे सकते हैं। सरकार जो कह रही है कि बजट अच्छा है, विपक्ष का कहना है कि 0 नंबर इस बजट को दिया जाए, जनता क्या सोचती है, जनता के लिए बजट कैसा है, उसको लेकर फोन कर सकते हैं। फिर से रुक करेंगे एक खास पैनल का। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां बड़े उद्योगपति जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर के आदमी थे पक्षधर थे और इन्होंने उन धन कुबेरों ने इनको चुनाव में भी खोल कर मदद की। आप सुनिए एविडेंस नहीं होता किसान भाइयों की फसल का इंश्योरेंस कराया जी और कोई इंश्योरेंस कराना चाहता था किसानों के लिए बजट में कहा गया कि प्राधिकरण एक बनाया जाए वो हितकारी किसान भाइयों के पैसे बैंकों में जमा थे या उन्होंने जिस भी तरीके से कराए थे
उनके पैसे इन्होंने जोर जबरदस्ती इंश्योरेंस कर दी और खातों से पैसे काट लिए। जब पैसे निकलवाने गए तो उन्होंने बताया कि बीजेपी एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई है। आपने उत्तर पूरा किया, अब बीजेपी को सुन लेंगे चौहान साहब। अभी किसान के लिए उसका आधार क्या था कि जब किसान की इंश्योरेंस के लिए कुदरती आपदा उसके ऊपर आ गई तो एक पट्टी में ओलावृष्टि होगी तो पूरे गांव का मूल्यांकन किया जाएगा जब उसको मुआवजा मिलेगा। ठीक है, एक खेत को ये सर हमने फसल योजना को लेकर व्यापक चर्चा की चौहान साहब। और इससे किसान सड़कों पर हैं, क्या इस वित्त वर्ष में ये निर्धारित किया जाएगा कि किसान परेशान ना हो, कम से कम सड़कों पर ना आए, खेतों में रहे? किसान सड़कों पर अगर आज है या किसान के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं तो सीधे तौर पर बहुत ईमानदारी से नरेश जी को भी और गंगवा साहब को भी ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि किसान की ये समस्याएं पिछले 3 साल में पैदा नहीं हुई। दूसरी बात, 3 साल में ये हुआ है कि किसान के प्रति संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एक मिनट सुन लीजिए, दर्शक फोन लाइन पर इंतजार कर रहे हैं, मेरी बात पूरा तो होने दिया करें आप, ये बीच में आप जब टोकते हैं तो गुस्सा, सुन लीजिएगा उनको। मैं समझती हूँ सर, थोड़ा देर रखिए, फिर मुझे क्यों बुलाया आप? अगर ये बोलते हैं आप टोकते नहीं, ज्योति जी देखिए आप ये बोलेंगे आप टोकते नहीं, मैं आऊंगा जनता जनता क्या कहेगी क्या जानना जरूरी नहीं, विश्वासघात नहीं क्या जनता क्या कहेगी जी? आपकी बात बिल्कुल पूरी होगी, आपकी बात पूरी होगी, जनता सवाल करना चाहती है, सवाल करेगी, उसका भी जवाब दे दीजिएगा जी। सवाल तो सुनो, मणिराम है हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हैं, मणिराम बहुत स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मैं कथरजाना से बोल रहा जी। मैडम ऐसा है, सरकार ने तो हमारे साथ बहुत बुरा किया, पीछे हमारे गई आग लग गई थी, क्या नाम इसमें गेहूँ की फसल में जी, हमारे को तो एक पैसा भी मुआवजा का नहीं मिला, इसमें मेरे क्षण में एकड़ क्या नाम फसल लग गई थी मैडम जी। तरह हमें उत्तर दे दो, उत्तर दीजिएगा, अपना फोन नंबर भी हमें बताइएगा, हम बीजेपी से इसको लेकर बाद में भी सवाल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चौहान साहब, मैंने कहा था आपसे ही सवाल करेंगे, किसानों को लेकर आपसे ही सवाल किया गया, उत्तर दे बताइए बताइए। पहली बात ये कि जब से हमारी सरकार आई है, किसान पर जब जब कोई आपदा आई हम बहुत संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़े हुए। अगर ओलावृष्टि हुई जिसका पंडित जी ने जिक्र किया तो हमने 1100 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा दिया। अब तक जब से हमारी सरकार बनी है 3000 करोड़ रुपए से अधिक अलग अलग योजनाओं में किसानों को राहत उनकी फसल खराब होने पर हम दे चुके हैं। एक बात, ये किसानों की विरोधी हमारी सरकार को कह रहे हैं जो मित्र, उनको मैं बताना चाहता हूं, ये जो किसान मित्र बोल रहे थे इनका नंबर आपके माध्यम से मेरे पास आ जाएगा, जांच कराएंगे क्या हुआ है। हरियाणा में गेहूं की फसल, तैयार शुदा फसल ज्योति जी पहले की सरकारों में भी जल जाया करती थी, ये पहली बार, पहले कभी कोई ये सवाल नहीं उठा कि उस किसान को भी कुछ मिलना चाहिए। मनोहर जी की सरकार आने के बाद पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ। आपने मेरा उत्तर पूरे नहीं होने दिया, अशोक को मैं बात को सुनूंगा, इट इज अनफेयर, मैं उत्तर दे रहा हूँ, सुनना नहीं चाहती जी मैं, ये तो नहीं चलेगा ना ज्योति जी, आप मुझे कह दीजिए, मुझे आप कह दीजिए कि मैं डिबेट में ना रहूं। ज्योति जी आपने मेरा उत्तर पूरा नहीं होने दिया, मुझे, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बार किसान की खेत में खड़ी हुई गेहूं की फसल जलने पर 12000 रुपए प्रति एकड़ का प्रावधान हमने किया, हजारों किसानों को मिला है, और भाई पंडित जी मैं कह रहा हूँ इस सरकार ने धोखा किया, जिस किसान का सरकार ने धोखा किया, पंडित जी ऐसे हजारों और मैं लिस्ट लेके आऊंगा हजारों केस ऐसे, अरे आपने तो चोरी नहीं की, हमने नरेश जी चौहान जी को बोल दीजिए, चौहान साहब खुद बताएंगे कि मेरा जवाब पूरा हो गया, मैं डिबेट में उतना समय इनको
हमने 12,000 रुपए प्रति एकड़ का प्रोविजन किया, हजारों किसानों को मिला भी है। अगर किसी को किसी वजह से नहीं मिला, इस किसान समेत जो मित्र, अरे सुन तो लो भाई, जिन मित्र को ये मुआवजा नहीं मिला उनकी डिटेल्स हमारे पास आएंगी, हम सुनिश्चित करेंगे कि उनको उनका अधिकार मिले। इन्होंने तो 54 दी नहीं थी, हमने तो 12,000 रुपए प्रति एकड़ दिया है, और इंसाफ की जो नीति बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया पर दर्शक को लेंगे। अशोक बहुत स्वागत है आपका, माफी चाहेंगे काफी इंतजार आपको करवाया, अभी बोलिए। मैडम ऐसा है, ये जो सरसों का भाव है ये 4,000 रुपए से कम होना चाहिए। बांगलू खेत होते हैं जिसमें पानी नहीं मिलता, उसमें गेहूं तो उगते नहीं जी, और सरसों ही बोई जाती है। सरसों भी ये राम के हवाले होती है, भगवान कभी बारिश दे देता है तो सरसों हो जाती है, और बारिश नहीं होती तो सरसों नहीं होती। तो अब ये सरसों है थोड़ी थोड़ी होती है खेतों में, जैसे इसकी ज्यादा उपज नहीं बनती, मतलब ज्यादा पैदावार नहीं है, मतलब एक एक किले के अंदर ये 5-10 मन 5 मन ऐसे निकलती है, और फिर पाओ भी कुछ नहीं होता। जमींदार जमीन को कम से कम 15 बार। एक मसला है, धर्मवीर है हमारे साथ फोन पर जुड़े हैं। सर रुकिए एक बार के लिए, सर मेरी भी मजबूरियां समझिए एक एंकर के नाते, मुझे बाकी पूरे पैनल को बुलवाना है, उन्होंने किया है आपसे उत्तर लेंगे। एक और दर्शक है हमारे साथ अभी, धर्मवीर बोले जी। मैम टीवी की आवाज कम कर लेंगे, उसके बाद राय देंगे बजट को लेकर। हाँ मैम आवाज बंद कम कर लिया। मैम नमस्कार, थैंक यू सो मच, अभी तक भी आपने मेरा फोन सुना जी। मैम अभी हरियाणा के बजट में बात चल रही थी, इसमें रणबीर गंगवा जी बोल रहे थे, जो कि बहुत बढ़िया बोल रहे थे। उन्होंने हरियाणा में जाट दंगों के बारे में बात की थी। अब जो उन्होंने पेश किया था कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार आने के बाद जो दंगों का ग्राफ बना, हरियाणा एक नंबर पे आ गया। बट ये एक नंबर पे क्यों आया, जब से हरियाणा में जाकर आरक्षण की आग लगी, आरक्षण की आग लगने के बाद। शुक्रिया आपका। हालांकि बजट है विषय जो बजट है, दर्शकों को एक बार फिर से बता दें बजट कैसा लगा, उसको लेकर राय दे सकते हैं। चौहान साहब आपसे ही जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले सरसों पर बोलिएगा सर प्लीज। अभी पैनल को मैंने ब्रेक के बाद नहीं जोड़ा, पूरा पैनल कम से कम एक एक कमेंट अपना दे ब्रेक के बाद, उस कायदे से हम चल लें, इनेलो का जवाब हम लेंगे। क्या कुछ लगता है कच्चे कर्मचारियों को लेकर सरकार ने राहत दी, जिस तरह से कर्मचारी सड़कों पर हैं। गंगा साहब कच्चे कर्मचारियों का जी, कर्मचारियों को लेकर, कच्चे कर्मचारियों को लेकर बजट में क्या लगता है इन्हें लोगों को? नहीं, कच्चे कर्मचारियों को लेकर के देखिए, जिसमें जिस तरीके से, पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले आउटसोर्सिंग का ये विरोध करते थे, और इन्होंने अभी आउटसोर्सिंग हर विभाग के अंदर करने का काम किया, और उसके अंदर भी जहाँ जो आउटसोर्सिंग से कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, जो संवैधानिक एक दिया हुआ है कि भी 27% बीसी का है, 20% एससी का है, 3% और दूसरा है जो एक्सरिसमैन का है, वो भी ये खा गए, उनके ऊपर इन्होंने कोई विचार नहीं किया, जो संवैधानिक रूप से मिला हुआ है, और जो कि मुख्यमंत्री ने पिछले सेशन के अंदर खुद माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको लागू करेंगे, और आज वो कह रहे हैं कि केवल हम विचार कर रहे हैं, ये कब विचार करेंगे, उनका हक खाया जा रहा है। और आज चाहे वो पैरामिलिट्री के है, चाहे वो गेस्ट टीचर है, और जिनको ये कहा था कि हम पहली कलम से उनको पक्का करने का काम करेंगे, वो धरने के ऊपर बैठे हैं, हर वर्ग के लोग आज धरने पर बैठे, किसान धरने पर बैठे, हर वर्ग के लोग धरने पर हैं। इस तरीके से ये शिक्षा में, चिकित्सा में ये सुधार कैसे करेंगे, बड़ा सवाल है। दर्शक जुड़े हैं सुंदर, उससे पहले चौहान साहब से लाइन का जवाब हम चाहेंगे। मैं एक लाइन का जवाब सरसों का दे दूं, जो किसान मित्र बोल रहे थे, सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है 4,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरसों खरीदेंगे जी, और किसान लेकिन सारी नहीं खरीदेंगे जी, खरीदेंगे लेकिन उन्होंने कैप लगा देखिए, अब आप उनको रोक नहीं रही है। गंगवा जी चौहान साहब का जवाब देंगे, नरेश जी सारी खरीदेंगे, चौहान साहब का जवाब लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार ने दो निर्णय आज भी सदन में शायद ये विषय आया है जी, और सरकार ने तय किया है कि 4,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरसों खरीदेंगे, चरणबद्ध ढंग से उसकी खरीद की जाएगी, उसकी डिटेल प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई है। देखिए कैप वाला जो झोल है वो सरसों में भी है और गन्ने में भी है, ये विपक्ष कहता है। एक मिनट सुनिए तो सही, सरसों खरीदेंगे और सरसों अधिक खरीदी जा सके इसके लिए ये तय किया गया है कि हैफेड
तेल निकाल करके पीडीएस सिस्टम के माध्यम से भी वो बांटने का काम शुरू करे ताकि किसान की अधिक से अधिक सरसों वो खरीदी जा सके। ये इसी सरकार ने निर्णय लिया है। 1 अप्रैल से परंपरागत रूप से हरियाणा में सरसों की खरीद शुरू होती थी। अब की बार हमने कहा है कि 15 से यानी कल 15 है तो कल से सरसों की तो कल से शुरू हो जाएगी। तो सुंदर सरीन जी आपके पास आएंगे, हम हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। सुंदर सुंदर जी कहिए। सुंदर आप हैं फोन लाइन पर। नमस्कार जी। जी बात रखिए, अपनी बजट को लेकर बोलेंगे सर। इस बजट में हरियाणा सरकार ने कोरा झूठ का पुलिंदा किया है। किसी को, किसी भी समाज के वर्ग को, किसी भी कर्मचारी व्यापारी दुकानदार को कोई लाभ नहीं हुआ है। खासकर किसानों के बारे में जो घोषणा की जा रही है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने कल कहा था इस देश के अंदर यदि किसानों का कोई नेता हुआ है तो चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल, आने वाले समय में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है। ये सरकार झूठ का ढिंढोरा पीट रही है। जेल से आएंगे वो आपको मदद करने। चलो शुक्रिया आपका। हालांकि सबकी अपनी राजनीतिक दिलचस्पी भी हालांकि हो सकती है, लेकिन बजट कैसा है उसको लेकर आप राय दे सकते हैं। कांग्रेस का पक्ष जानेंगे फिलहाल। ठीक है चौहान साहब, शायद आपको पता नहीं आज जो आप पैसे बीमे के काट रहे हैं किसानों के, चौधरी देवीलाल ने ये बिना बजट पैसे सर, ठीक है। बजट की बात कर रहा हूँ, देखिए बजट बजट की बात कर रहा हूँ, जिस बीमे की बात कर रहे हैं ये जो जो 500 रुपए इन्होंने काटने का काम किया, चौधरी देवीलाल वो शख्सियत थे जिन्होंने बीमे की शुरुआत की थी और उन्होंने बिना एक पैसा लिए उनको देने का काम किया था। दूसरी बात और चौहान साहब ने एक बात कही कि गाड़ी से बातती है तो उसको सुरक्षित कर ली जाती है, गाड़ी सुरक्षित कर लेती है, एक गाड़ी का बीमा होता है। आपने एक किले के 500 रुपए ले लिए, उस एक एकड़ में आग लगी या ओड़े पड़ गए एक पर्टिकुलर, फिर आप कहते हैं किसानों का बीमा भी फिर वैकल्पिक होना, उन पे थोपा ना जाए, ये सवाल तो है, वो सवाल तो है। आपने एक एकड़ को इकाई में, चलिए किसानों की बात हुई सर, उद्योग पर भी आएंगे। उससे पहले सरीन साहब आपसे जान ले, आपने कोशिशें की है कि बीजेपी से सवाल करेंगे आप बजट को लेकर। मेरे ज्योति जी चार सवाल है चौहान साहब से। चौहान साहब आपने इस बजट में प्रावधान किया है हरियाणा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का NBFC बनाने का, तो आपकी ऑलरेडी एक NBFC चल रही है जेड, उसका नाम है हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। आपकी HSIDC चल रही है तो उनका क्या अब नई ये प्रावधान करने का क्या फायदा है? देखिए जब ऑलरेडी दो हमारी चल रही है, HSIDC है तो HSIDC का काम उद्योग के विस्तार का है, तो जो नई कंपनी की बात की गई है वो हरियाणा में वित्तीय अनुशासन और बेहतर लाने के लिए, वित्तीय प्रबंधन को और बेहतर करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। हरियाणा में वित्तीय अनुशासन आए, अजब गजब काम हो रहे थे पूर्व के मित्रों के सरकार के कार्यकाल में कि एक एक विभाग के 25-25, 50-50, 60-60 बैंक के खाते थे, उनका पता ही नहीं चलता था कहां क्या पड़ा है, कौन किसका कौन क्या कर रहा है। हम वर्तमान वित्त मंत्री महोदय ने इनिशिएटिव लिया कि इस सारे गोलमाल को बंद करने के लिए, खातों पर निगरानी रखने के लिए व्यवस्था की जाए और सरकार पारदर्शिता लाए लेन देन में, सारे जो वित्तीय जो आवंटन है कैसे कौन कौन सा पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी से हमने हजारों करोड़ रुपए बचाए हैं। एक दर्शक है हमारे साथ, उनकी बात भी सुन ले। निर्मल है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। निर्मल बहुत स्वागत है आपका। निर्मल है हमारे साथ, चलिए संपर्क टूटा है, आप बड़ी बात देखते रहिए, उसके बाद एक बार फिर से जुड़िएगा और बजट को लेकर जहन में क्या है वो बताइएगा। ज्योति जी कृष्ण हमारे साथ जींद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, राय दीजिए। कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अपनी राय दीजिए, बजट को लेकर क्या सोचते हैं, सरकार जो बोल रही है वो सच है या फिर, चलिए संपर्क टूटा है तकनीकी। चौहान साहब आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे, आपने सरकारी कर्मचारियों के लिए हेल्थ बीमा की यहाँ पर इस बजट पे पेशकश की है, लेकिन ये बताएंगे कि आपने सरकारी कर्मचारियों की डेफिनेशन किस तरह से रखी है, क्योंकि जो 10 साल से नौकरी कर रहे हैं चाहे वो NHRM के हैं या गेस्ट टीचर हैं, क्या उनको आप सरकारी कर्मचारी गिनते हैं? देखिए इसकी डिटेल्स वास्तव में इस समय मेरे पास नहीं है, मैं उस पर प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं हूं जी। लेकिन जो वैधानिक तरीके से संभव होगा, जिसके लिए भी नियमानुसार ये सरकार काम करती है, जो चीजें उसमें जो सरकार नियम निर्धारित करेगी उसके दायरे में आएंगे, उनको वो लाभ मिलेगा। कच्चे कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जो सारा हमला होता है, मेरा क्वेश्चन लगने के बाद भी उसके अंदर ये आया कि आपको बाद में जवाब दिया जाएगा, उनके पास भी नहीं थे, इनकी सरकार के पास आंकड़े नहीं, आप चौहान साहब से मांग रहे हैं। गंगवाजी चलिए एक और दर्शक है, इससे पहले कि फोन कटे मैं तो आपकी बोल रहा हूं, मैं इससे पहले कि संपर्क आपके पास कर सकते हैं, दिनेश है हमारे साथ, दिनेश फोन लाइन पर जुड़े हैं नरवाना से। दिनेश आपकी क्या राय है इस बजट पर? नमस्ते जी। नमस्कार।
अच्छा जी ये बुक हेलो रायधी जी आपको सुन पा रहे हैं हम। नमस्ते जी। जी नमस्कार बताइए। हेलो नमस्ते जी। अच्छा ज्योति जी चलिए संपर्क टूट गया। ज्योति जी मैं इस चौहान एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एजुकेशन पे जिन्होंने प्रावधान किया है 14,935 करोड़ का जी पर मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा अभी कोई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी इन्होंने रखी है जी प्रावधान में कोई बिजनेस इंडियन चौहान साहब फिर से जवाब देंगे कांग्रेस को हम नहीं जोड़ पाए कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं रखी आपका बच्चा दिल्ली जाएगा पंजाब आएगा कि कहीं और जाएगा चौहान साहब इसके साथ ही एक सवाल छोटा सा ये भी है एजुकेशन का शिक्षा का सवाल नरेश जी शिक्षा का सवाल है चौहान साहब 113 अगर हम हैरानी की बात करें 113 गवर्नमेंट एडेड और या फिर सरकारी जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसमें 6 से 7 प्रिंसिपल ही हैं बाकी जो कॉलेज है बिना प्रिंसिपल के हैं तो आपको कैसा लगता है कि आपने इतना बजट रख दिया शिक्षा के लिए भी पूछेंगे नरेश जी आप लोग विरासत में शिक्षा बहुत अच्छी नहीं देखे गए मुझे पीने भी बहुत नरेश जी शिक्षा को लेकर आप लोग भी बहुत अच्छी तस्वीर नहीं छोड़ गए थे और सुधार हरियाणा प्रदेश को इस बजट से कितनी उम्मीद है एजुकेशन का हब बनाया कितनी आईटीआई कितने कॉलेज बनाए यूनिवर्सिटियां बनाई सिरसा के अंदर भी माननीय चौटाला साहब ने यूनिवर्सिटी शुरू की थी लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन सरकारी स्कूलों के हालात पढ़ाई के माकूल आपकी सरकार के वक्त भी नहीं थे अध्यापकों की मनमानी आपकी सरकार के दौरान भी थी आपके कार्यकाल के दौरान कांग्रेस पार्टी वादे कम करती है काम ज्यादा करती है और ये भारतीय जनता पार्टी जो इन्होंने जनता को समझवाद दिखाए थे और जो जुमले इन्होंने पढ़े थे उसमें जरा सी भी हकीकत नहीं है इन्होंने बोला था कर्मचारियों के साथ छलावा किया किसानों के साथ छलावा किया पंजाब के बराबर वेतन देंगे कच्चे कर्मचारियों को पक्के करेंगे किसान भाइयों को स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे 15 लाख रुपए नौजवानों को पथ भ्रमित कर दिया काला धन कराएंगे अगर सवाल का उसमें जरा सी हकीकत नहीं है शिक्षा आज हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति चौहान जी का जवाब लेंगे शिक्षा शिक्षा को लेकर चौहान जी का जवाब देंगे चौहान साहब शिक्षा को कुल बजट का 12% से अधिक एलोकेशन किया गया है शिक्षा के पिछले बजट एलोकेशन से अधिक बजट की व्यवस्था की गई है जी हाँ हरियाणा में हमने तय किया है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्राइवेट अथवा सरकारी क्षेत्र का एक विश्वविद्यालय हो जी एक मेडिकल कॉलेज हो जी इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जहां आवश्यकता है वो वहां हो आपने प्रावधान रखा है आपने बजट रखा है इसके लिए लेकिन जो पहले से कॉलेज है मैंने बताया 13 में से 5 या 6 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल हैं अगर अगर सरकार के पास मुख्यमंत्री ही नहीं होगा सरकार कैसे चलेगी प्रिंसिपल नहीं होगा तो कॉलेज कैसे चलेंगे मैं उस पर आ रहा हूँ पत्रकार नरेश जी बजट पेश हुआ मुझसे पूछते घटौती की है नरेश जी आंकड़े पेश करे और माननीय साथी ने जवाब देने की उत्तर दे रहा हूँ जी चाहे सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बात हो चाहे राजकीय महाविद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की बात हो सारी प्रक्रिया चल रही है उसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ा रहे हैं जहां पर रेगुलर प्रिंसिपल अभी नहीं है वहां पर कार्यवाहक प्रिंसिपल काम संभाल रहे हैं मैं एक बात आपको बता रहा था कि प्रदेश में 2 दर्जन से अधिक जो नए कॉलेजेस हैं उनके निर्माण का काम शुरू हो गया है चल रहा है हायर स्टेज पर है प्रदेश के हर जिले में एक कम से कम विश्वविद्यालय हो ये समान विकास पूरे हरियाणा का हो इसके लिए हम काम कर रहे हैं एक प्रश्न जो आपने किया था मैं उसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा मैं वही आ रहा हूं इस प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट हैं मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं और इस प्रदेश में रोहतक में IIM भी काम करता है हाँ इनकी गुणवत्ता और बढ़े
इस पर ध्यान दिए जाने की निश्चित रूप से जरूरत है, वो हम सब मिलकर के करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब पंडित जी यहां बैठ के टेलीविजन स्टूडियो में कहते एक भी स्कूल बना हो तो बता दो, अरे पंडित जी महाराज कम से कम आंख मूंद के तो ना बोलो, पंडित जी न्यू कहते काम चल जाएगा। जो आपका नाम लेने वाला मैं कह रहा हूं 28 कॉलेजेस पर ध्यान चल रहा है। क्या रही बजट सत्र में सर? ज्यादा बोलना कोई बहुत बहुत अच्छी बात या काबिल तारीफ लगी है? ज्यादा से ज्यादा विषय पर बोलना बहुत अच्छा है, तो विषय पर बोलेंगे आखिर जवाब। शिक्षा की बात आप चल रही, शिक्षा के अंदर जो सरकारी स्कूल है उसके अंदर ज्यादातर एससी बीसी के बच्चे पढ़ते हैं या बेचारे जो गरीब लोग हैं केवल उनके बच्चे पढ़ते हैं, और वहां पे अगर उस स्कूल के अंदर टीचर नहीं है तो मैं ये समझता हूं कि उस स्कूल को बंद कर देना चाहिए, उस बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। उस इस टाइप के स्कूल के अंदर जहां पूरे टीचर नहीं है, किसी सब्जेक्ट का टीचर नहीं है और वो स्कूल चल रहा है, बच्चे उसके अंदर जो गरीब बच्चे जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि केवल मनरेगा के मजदूर उस स्कूल के अंदर तैयार हो रहे हैं और उनको जो है शिक्षा नहीं मिल रही। तो फिर किस तरीके से उस स्कूल का जब जब गेस्ट टीचरों से इन्होंने वायदा किया कि पहले कलम से पक्का करेंगे, वो बैठे हड़ताल के ऊपर, पैरामेडिकल के जो वो हड़ताल पे है, आंगनवाड़ी वर्कर है वो हड़ताल के ऊपर है, तो किस तरीके से मेरा आखिरी सवाल और कमेंट यही है कि जो आपकी डेवलपमेंट है वो खाली गुड़गांव और फरीदाबाद तक ही रह गई है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए? हमने प्रदेश के समान विकास के लिए काम किया है, बजट इस बात को प्रतिलक्षित करता है। अगर 28 कॉलेज बन रहे हैं तो पूरे हरियाणा में बन रहे हैं, बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल न करना पड़े कि प्रतिबिंब बजट में सरकार को नजर आता है। एक ही जिले में बनाते हैं। शुक्रिया सभी का इस चर्चा में बने रहने के लिए, शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो बजट कैसा रहा, बजट सत्र में अभी तक क्या हुआ, उसको लेकर चर्चा की बड़ी बात में। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।